गिरिडीह सीट पर रविंद्र पांडे की उपयोगिता को समझते हुए आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो प्रत्याशी सीपी चौधरी को लेकर पांडे आवास पहुंचे। काफी मान मनोबल के बाद तीनों नेताओं ने देश में एक बार फिर से मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी को जिताने की बात कही। गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी के साथ आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो वर्तमान सांसद रविंद्र कुमार पांडे के आवासीय कार्यालय पहुंचकर उनसे चुनाव को लेकर चर्चा की। आपसी मतभेद मिटाने के बाद तीनों नेताओं ने एक सुर में मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की बात कही। पांडे ने चौधरी का समर्थन करते हुए कहा कि गिरिडीह से इन्हें जिताकर दिल्ली भेजा जाएगा। रविंद्र पांडे की नाराजगी को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा, ये कहानी खत्म हो गई है। अब एनडीए प्रत्याशी को जिताना और सरकार में मंत्री बनवाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आपको बताते चले कि एनडीए ने गिरिडीह सीट से वर्तमान सांसद रविंद्र पांडे का टिकट काटकर यह सीट आजसू के खाते में दे दिया था। तब से रविंद्र पांडे इस फैसले से बिदके हुए थे। जी आज नाराजगी चल रही थी आपकी काफी दिनों से और आज पहुंचे। अरे भैया वो सब खेला खत्म हो गया। अभी सीधा सीधी एक लाइन में है, हमारे जो प्रत्याशी हैं गिरिडीह लोकसभा के चंद्र प्रकाश चौधरी जी एनडीए के हमारे कैंडिडेट हैं, उनको जिता के दिल्ली भेजवाना है और वहाँ उनको मंत्री बनाना है। आजसू सुप्रीमो सुदेश ने बड़ा दिल करते हुए पांडे आवास पहुंचकर मुलाकात तो कर ली, पर अब देखना यह है कि वर्तमान सांसद का दिल से मिला है या फिर कुछ गिले शिकवे रह तो नहीं गए। ब्यूरो न्यूज सबरंग समाचार से पूछ रहे। आज मैं आपके प्रश्न पर नहीं आता हूँ, आज मैं आदरणीय हमारे नेता बड़े भाई रविंद्र पांडे जी के उनके आवासीय कार्यालय में गिरिडीह के लोकसभा चुनाव के अभियान के संदर्भ में चर्चा करने, अभियान को मजबूत करने और देश में पुनः हमारे राष्ट्रीय नेता प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को स्थापित करने की इस मुहिम को बल देने के लिए आता है। किन किन बातों पर चर्चा हुई चुनाव संबंध? चुनाव में जिन बातों पर बल दिया जाता है कि भाई एकजुटता के साथ इस चुनाव में एनडीए चुनाव लड़ेगा और साथ ही साथ इतनी बड़ी आबादी को एक साथ एक सूत्र में बांधकर हम लोग कैसे आगे जाएं, यही चर्चा है।